गौरी गोपाल आश्रम में जो माँ आती हैं सबको गले लगाया जाता है, सबको आश्रय दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये माँ को आश्रय मिलेगा, ये माँ को नहीं मिलेगा। यहाँ जगह है तो सहारा दिया जा, जगह नहीं है तो निवेदन कर दिया जाता है कि आश्रम जब बन जाएगा, बड़ा बन रहा है, तब आप आ जाना। बाकी यहाँ 271 माताएं हैं, वो माएं जिनके अपनों ने सहारा नहीं दिया, ऐसी माँ यहाँ रहती, उनमें से एक माँ से आज हम आपका परिचय कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? कहाँ से आई हो? जिला दिल्ली राजनगर से। कौन कौन है आपके घर में मैया? दो बेटा, बहू, नाती, पोता सब है। दो बेटे हैं? बेटी है, अपने ससुर। तो दो बेटे हैं आपके, फिर भी आपको यहाँ आश्रम में रहना पड़ रहा है, क्यों? हमारे लिए क्या बना है ऐसे करके निकाल दिया, कुछ नहीं रखा है। अच्छा, बेटे ने बोला कि तुमने हमारे लिए क्या बनाया है, क्या हमें दिया, ऐसा तो आपको निकाल दिया? बहू धक्के मार के निकाल दिया। बहू ने धक्के मार के निकाल दिया आपको, तो बेटे ने रोका नहीं कि माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? नहीं। दो बेटे हैं मैया के, बहू ने धक्के जब मारा तो बेटे ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी माँ को धक्के क्यों मार रही हो? किसी बेटे को कोई धक्का मारे तो माँ जरूर पूछती है कि तुम मेरे बेटे को धक्का क्यों मार रही हो या मार रहे हो, पर माँ को धक्का मार दिया बहू ने और सास ने कोई एक्शन, बेटे ने कोई एक्शन नहीं लिया। दो बेटे हैं मैया, आप यहाँ रहती हो, बेटों का कभी फोन ऑन आया, कभी बेटों ने हालचाल पूछा? हमारे लिए मर गए बोलते हैं, एक बार फोन लगाई थी, तू हमारे लिए मर गए, हम तेरे लिए मर गए बोलते हैं। आपने एक बार फोन लगाया था तो बोले तुम हमारे लिए मर गई, हम तुम्हारे लिए। देखो जरा, माँ फोन लगाती है तो कहते हैं हम तुम्हारे लिए मर गए। लो अभी कहाँ मर गए, जिंदा है माँ, जिंदा जीते जी माँ को कह रहे हैं मर गई हमारे लिए माँ, ये क्या है? सेवा ना करने के बहाने हैं। आप लोग रोते हैं कि बेटा हो जाए हो जाए, ये दो बेटे हैं पर देखो कह रहे हैं मर गई माँ, जिंदा है जबकि माँ। आप लोग संसार को इतने तरीके से नहीं जानते जितने तरीके से ये दास अनिरुद्ध जानता है। आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं कि संसार में भगवान के सिवा कोई नहीं है। आप कितनी जगह मन लगाओ तो लगाओ। मैया यहाँ आप रहती हो गौरी गोपाल आश्रम में, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है गौरी गोपाल आश्रम में? कोई तकलीफ नहीं है। आप यहाँ खुश हैं? खुश हूं बेटा। और यहाँ आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं नहीं। यहाँ माताएं 271 माएं वर्तमान में हैं। आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया है? आपने किया है? आप लोगों ने नहीं किया तो आप कथा के बाद गौरी गोपाल आश्रम में जाकर, सामने ऊपर फ्लोर पर माताएं रहती हैं, आप जाकर के उन वृद्ध माओं का दर्शन कीजिए जो ऐसी जरूरतमंद माएं हैं, जिनके अपनों ने ठुकरा दिया है, धक्के मार दिए, ऐसी माओं को, बेसहारा माओं को सहारा दिया जाता है। और मैं आपसे कह दूं कि किसी बेसहारा का सहारा बन जाना इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। किसी का सहारा बनना, किसी के सिर पर छाया ना हो उसके सिर पर छाया की व्यवस्था करना, इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है क्या? इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भी इन माओं के लिए छाया का सहयोग कीजिए। इन माओं के लिए 271 माएं हैं पर जगह आश्रम में कम पड़ गई, अब माओं के रहने की जगह नहीं है, इसलिए ये सामने ये आश्रम बनाया जा रहा है जहां 1000 वृद्ध माएं रह सकें। मैया अब आप यहीं रहिएगा और ये दास अनिरुद्ध सदा आपकी सेवा करेगा, खुश रहिएगा आप। आप लोगों से बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन वृद्ध माओं के लिए एक कमरा बनवा करके आप इन माओं के लिए कमरे का सहयोग कीजिएगा।